हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 सारणिक के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, सारणिक में 4.2 चल रहा है, जो कि बहुत ही लास्टिंग एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। और मैंने इसके जितने भी 4.2 के लेक्चर्स बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट है आपसे जरूर एक बार देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ बना हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.2, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में भी नहीं कटा हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिलेबस जो कटा हुआ है मैथ्स में, फिजिक्स में, उन सभी के बारे में डिस्कस कराऊंगा, ठीक है, बस केवल और केवल इस वीडियो के बाद। दोस्तों, 4.2 सारणिक में मैंने आपको 10th के फर्स्ट पार्ट को बता दिया है और आज हम डिस्कस करेंगे, देखना किसके किसके बारे में, 10th के सेकेंड के पार्ट के बारे में, 11th का फर्स्ट पार्ट, 11th का सेकंड पार्ट एंड 12th क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ये एक लेक्चर रहेगा, इसके बाद लास्ट जो लेक्चर रहेगा वो इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का एंडिंग रहेगा, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, क्योंकि 5 नंबर एकदम फुला है कि इससे जरूर आएगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे 5 नंबर में। दोस्तों, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको आप जरूर 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 पढ़ें, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे पाऊं, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। दोस्तों, क्या है कि सारणिक है y प्लस के है, ये y प्लस के, y प्लस के, देखना प्यारे बच्चों, ये आपको क्वेश्चन को दिखा दिखा सा लग रहा होगा, क्योंकि आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो भी इसी के बेस पे किया था, ठीक है। वहां पर क्या था, वहां पर x प्लस 4 था और 2x था, ठीक है, चारों तरफ से घिरा हुआ था इस तरह से। और यहां भी क्या है, y है चारों तरफ से घिरा हुआ और डायगोनल की तरह y प्लस k है। तो आपने कैसे किया था वो वाला, कि क्या कर दिया था, c1 में आपने c1 प्लस c2 प्लस c3 कर दिया था, यही तो कर दिया था। तो बस देखना, प्रूफ आपको क्या करना है, के स्क्वायर वाई 3y प्लस k, यही तो प्रूफ करना है। तो पहले आप के स्क्वायर पे मत जाएं, अभी आप क्या करें कि 3y प्लस k पे जाएं, ठीक है। तो 3y मतलब हमको k तो मिल जाएगा, देखना यहां पर k है, यहां पर k, यहां पर k तो हमें मिल जाएगा, लेकिन 3y कैसे मिलेगा, 3y, ठीक है, 3y, देखना 1y यहां है, 1y यहां, 1y यहां, ठीक। अगर हम क्या कर दें, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, अगर हम क्या कर दें, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस का कॉलम 3 कर दें, एकदम बेसिक से दोस्तों, ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 कर दें, तो हमें लगता है कि हमारा काम बन सकता है, ठीक है। तो कैसे, देखना आगे क्या कर दें हम, कि देखना यहां पर क्या हो जाएगा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो y प्लस के यहां, ठीक है, y प्लस के यहां, प्लस का कॉलम 2 में y है यहां और प्लस का कॉलम 3 है y है यहां। इसी प्रकार से यहां भी सिमिलरली y प्लस के प्लस का वाई, ठीक है। इसी प्रकार से कॉलम 3 में भी क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉलम 1 के तीनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, वाई प्लस का वाई और प्लस का वाई प्लस का के, ये हो गया आपका। कॉलम 2 आप ऐसे लिख लें, वाई वाई प्लस के और वाई, ठीक है, यहां भी वाई 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 प्लस का के। दोस्तों, आप देखना इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3y, 1y यहां, 1y यहां, 1y यहां, 3y प्लस के, सिमिलरली यहां भी वैसे हो जाएगा 3y प्लस का के, और सिमिलरली यहां भी हो जाएगा 3y प्लस का के, ठीक है। यहां तो y, y प्लस के, जो हमने छेड़खानी नहीं की ना, उसको तुरंत आप ऐसे लिख लें आराम से, बिना देरी करते हुए, ठीक है, टाइम बचाते रहना। इसके बाद क्या कर लें, ये है कॉलम 1, कॉलम 1 में सभी देखें एलिमेंट बराबर है, तो हम क्या कर लें, कॉलम 1 में, ठीक है, 3y प्लस के उभयनिष्ठ या कॉमन, हिंदी में क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या हो जाएगा, देखना, तो 3y प्लस के आपको कॉमन हो जाएगा, 3y प्लस का के एक बार कॉमन हो गया, क्योंकि कॉलम 1 में ही ले रहे हैं, कॉलम 1 में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो बचा आपका क्या, उसको लिखना, यहां 1 बचा, यहां भी 1 बचा, यहां भी 1 बचा, ठीक है, यहां तो जो बचा वही y प्लस के और y, यहां भी y, यहां भी y और यहां भी आपका बचा y प्लस का k, ठीक है। अब यहां देखते हैं, आपका जो 3y प्लस के है वो तो रहेगा ही, ठीक है,
अब आपको लाना क्या है, आपको लाना के का स्क्वायर। आपको तीन वाई प्लस के तो मिल गया, लेकिन आपका के स्क्वायर कैसे आएगा देखना प्यारे बच्चों। आप क्या कर दें कि आप जैसे आप पिछले वीडियो में करे हैं, मतलब कि इसका जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, लास्ट में जाके देखना कि सेम उसी तरह हो रहा है। देखा आर टू में क्या कर देंगे हम, आर टू माइनस का आर थ्री कर देंगे, और आर थ्री में हम क्या कर देंगे, क्योंकि अब देखो एक 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 मिल गया ना, तो हमको दो जीरो बना लेंगे जल्दी से, दो मतलब जैसे दो जीरो बनाएंगे एक एक को, और एक जो बचेगा उसी के सापेक्ष हम प्रसरण कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर थ्री माइनस का आर का वन, ठीक है। तो यहां देखना प्यारे बच्चों, तीन वाई प्लस के रहेगा ही बिल्कुल आराम से, ठीक है। वन क्योंकि आर वन में तो कोई छेड़खानी हम कर ही नहीं रहे ना, तो वन वाई और वाई इस तरह से लिख लेना, ठीक है। आर टू माइनस का आर थ्री, तो आर टू माइनस का आर थ्री क्या हो जाएगा, वन माइनस का वन। इसी प्रकार से यहां भी आर टू वाई प्लस के और माइनस का आर थ्री क्या है, वाई है, वाई हो गया। इसी प्रकार से यहां भी वाई माइनस का वाई माइनस का के, क्यों, क्योंकि माइनस जब कराएंगे तो जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आर थ्री में क्या कराएंगे, आर थ्री माइनस का आर वन, तो वन माइनस का वन। इसी प्रकार से यहां भी आर थ्री माइनस का आर वन, वाई माइनस का वाई। इसी प्रकार से यहां भी वाई प्लस के माइनस का वाई, ठीक है। आगे देखना क्या हो जाएगा, तीन वाई प्लस के, इसको सॉल्व करो पहले, ठीक है। वाई प्लस के हो जाएगा तीन वाई प्लस के, यहां वन, यहां वाई, यहां वाई। देखना वन से वन कैंसिल, क्या बचा जीरो। यहां देखना माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, बचा आपका के। सिमिलरली यहां भी आपका क्या बच गया, यहां भी माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस का के आपका बच गया, यहां भी आपका बचा जीरो। देखना इस तरह से ये भी कट गया, इस तरह से यह भी, मतलब यहां भी आपका जीरो ही आ गया। अब क्या कराएंगे, माइनस वाई से प्लस वाई भी कैंसिल हो गया, बचा आपका प्लस का के, केवल के, ठीक है। अब देखना एक आपको वन मिल गया, ठीक है। अब इसी के अनुदिश आप क्या करा दें, प्रसरण करा दें आर वन के सापेक्ष। तो यहां पर लिख लेना कि आर वन के अनुदिश प्रसरण, तो क्या हो जाएगा, कैसे, तीन वाई प्लस के आपका है ही है, ठीक है। वन वन लिख लेंगे आप, इसके सामने वाला रो कैंसिल, इसके नीचे वाला कॉलम कैंसिल, बचा आपका क्या, के बचा, माइनस का के बचा, जीरो बचा और के बचा। कैसे, देखना इसके सामने वाला ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा आपका केवल और केवल यही इतना, ठीक है। आगे जब आप और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन वाई प्लस का के हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा आपका, देखना वन से मल्टीप्लाई तो वन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वन से कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर, के और के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है ये, ठीक है, स्क्वायर है। माइनस का जीरो और के से कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जीरो से प्लस माइनस कोई दिक्कत होता ही नहीं है। तो आपका जो प्रूविंग आएगा वो क्या आ जाएगा कि के स्क्वायर बचेगा आपका केवल और केवल यहां पर, और जो आपका है तीन वाई प्लस का के, ये तो रहेगा ही। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका जो प्रूविंग है वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, और यहां पर हो गया प्रूव। आशा करता हूं आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो लाइक जरूर कर दें, लाइक करें दें तो आप भूल जाएंगे, ठीक है, लाइक कर दें। चलिए देख लेते हैं कौन सा नंबर, 11 नंबर, ठीक है, पेज पलटते हैं। ये रहा दोस्तों आपके पास 11 का पहला पार्ट, ठीक है। क्या करना आपको, ए माइनस बी, टू बी टू सी, टू ए माइनस सी माइनस ए टू सी, टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। बहुत ही मजा आता है इस टाइप के कॉल जब क्वेश्चन में प्रूविंग दे दिया हो, ठीक है, सोने पे सुहागा, ठीक। क्या होगा देखना, आपको लाना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन हमको यहां पर दिख रहा है माइनस 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 माइनस, ठीक है, और बी सी टू ए ये सब, टू बी टू सी ये सब घिरा हुआ इसी के साथ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, ठीक है। देखना क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं, देखना देखना यहां पर माइनस टू भी है ना, यहां पर प्लस का टू भी है, यहां पर माइनस का सी है, यहां पर प्लस का टू सी है। अगर हम एक काम कर दें, क्या आर वन में ही क्या कराते हैं प्यारे बच्चों, आर वन में ही आर वन प्लस आर टू प्लस का आर थ्री करा दें, ठीक है, तो हमें लगता है काम बन जाएगा। कैसे, देखना कैसे हो सकता है, देखना हम क्या करा दें, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। देखना आर वन तो यही है, ए माइनस बी माइनस सी लिख लिया, लिख लिया आराम से लिख लिया।
क्या करा रहे हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 किस में, R1 में। तो R2 क्या है, माइनस प्लस का 2C है, हम जोड़ रहे हैं ना, प्लस का 2C हो गया। R3 क्या है, 2C है, तो प्लस का 2C हो गया। आगे देखना, R1 क्या है, 2A, बीच में सिंबल प्लस का है। R2 कितना है, B माइनस C माइनस A हो गया। R3 कितना है, प्लस लगाएंगे, R3 कितना है, 2C है, ठीक है। आगे फिर 2A है R1, 2A हो गया, प्लस का 2B हो गया, और इसी प्रकार से प्लस का C माइनस का A माइनस का B भी हो गया, ठीक है। देखो इतना बड़ा हो गया, देखो यहाँ पर 2B हो गया, यहाँ पर 2C हो गया, यहाँ पर आपका आएगा क्या, B माइनस C माइनस का A और 2C, ठीक है। यहाँ पर 2B, यहाँ C माइनस का A माइनस का B। देखना प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखना बहुत ही आसान सा है। A एक बार है, एक बार A और कहीं नहीं ना, तो A हो गया, ठीक है। माइनस B प्लस का 2B, तो प्लस का B हो जाएगा, आप जानते हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस का C है, प्लस का 2C है, तो प्लस का C हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी देखना, 2A में से जब A माइनस हो जाएगा तो बचेगा A, इसी प्रकार से प्लस का B है, तो एक बार ही है, तो प्लस का B हमने लिख लिया। C देखना, माइनस का C प्लस का 2C, तो प्लस का C हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी 2A में से एक जाएगा तो A बचेगा, 2B में से एक भी जाएगा तो प्लस का B बचेगा, और C एक ही बार है तो हमने लिख लिया। यहाँ पर 2B बचा, यहाँ पर 2C बचा, यहाँ पर B माइनस C माइनस A हो गया, यहाँ पर 2C हो गया, और यहाँ पर 2B हो गया, और C माइनस का A माइनस का B भी बच गया, ठीक है। क्या कर सकते हैं अब आगे, R1 में से हम क्या ले लेंगे, R1 में A प्लस B प्लस C हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे या उभयनिष्ठ लेंगे हिंदी में, ठीक है। कॉमन लेने पर देखना क्या हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस B प्लस C हम कॉमन ही ले लिए, उभयनिष्ठ ले लिए हैं, बचा आपका केवल 1, 2B, 2C। यहाँ भी बचा 1, B माइनस C माइनस का A, यहाँ पर 2C, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बच गया आपका 2B, यहाँ C माइनस का A माइनस का B, ठीक है भाई। देखना प्यारे बच्चों आगे क्या हो जाएगा कैसे, अब यहाँ पर 1, 1, 1 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको शून्य बनाना है इन्हीं सबको, ठीक है, इन्हीं सबको शून्य बनाना है, जिसमें से दो को जैसे ये बना लें या ये बना लें, या ये वाला ये वाला, ये वाला ये वाला, ये वाला ये वाला, कोई भी, ठीक है, कोई भी आप शून्य बनाएं। देखना क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर लें कि देखना क्या कर लें, C1 में हम कर लें कि C1 माइनस का C2 किसी में, ठीक है, और C2 में कर लें हम C2 माइनस का C3, काम बन जाएगा। कैसे देखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C तो रहेगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, कॉलम 1 में से कॉलम 2 हटा रहे हैं तो माइनस 1 माइनस का 1, इसी प्रकार से यहाँ भी 2B है, माइनस करा रहे हैं ना, तो देखना माइनस इसी हम तुरंत करा दे रहे हैं, माइनस का B हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का C हो जाएगा, ये वाला माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का A हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी 2C है और माइनस का 2C हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉलम 2 में देखना, कॉलम 2 में, ठीक है, क्या है, कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस का कॉलम 3, तो कॉलम 2 माइनस का 1, 1 माइनस का 1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी B माइनस C माइनस का A और प्लस का क्या हो जाएगा, देखना कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 ना, देखना B माइनस C माइनस A और माइनस हो जाएगा, देखना ये माइनस है, ठीक है, सॉरी ये माइनस है, माइनस का 2B, तभी मैं कहूँ, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2C है, माइनस जब प्रवेश कराएंगे तो माइनस C प्लस का A और प्लस का B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बचा 1, यहाँ पर आपका आएगा 2B, यहाँ पर आपका आएगा C माइनस का A माइनस का B, ये चीज़ें आपको कन्फर्म करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, A प्लस B प्लस C आपका यहाँ बच गया, ठीक है। अब आगे देखना क्या हो जाएगा कि 1 ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पर आया 0, ठीक, यहाँ पर भी आपका आ गया 0, यहाँ पर आपका आ गया 1। देखना प्यारे बच्चों B और B, 2B माइनस का B तो यहाँ पर हो जाएगा B, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी तो ले सकते हैं, A प्लस B और प्लस C, सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। देखना प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है कि B और माइनस का 2B है, तो माइनस का B आ जाएगा, ठीक है, माइनस का B आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का C है, यहाँ पर माइनस का A। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, समझना आप, A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं, लेकिन माइनस आगे लगा करके, तो यहाँ भी A प्लस B प्लस C हम लिख सकते हैं,
यहाँ पर आपका आ गया 2b, ठीक है। इसी प्रकार से देखना, ये यहाँ पर 0, ठीक, यहाँ पर देखना 2c में से एक c जाएगा तो क्या हो जाएगा, c बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, c माइनस का a माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। आगे देखना, आपको मैं दिखाता हूँ। ये दोस्तों एक पेपर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी आपका ये, देखना क्या है बच्चों, इसमें से एक कॉमन मिल रहा है, आर वन में a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल रहा है और आर टू में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि आर वन तथा आर टू में से ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ या कॉमन, ठीक है, कॉमन लेने पर देखना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी तो आपका पहले से है, लिख लिया हमने, आर वन में भी से ले लिया है कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी आर वन में से भी कॉमन लिया, R2 में भी से कॉमन हम लिया तो a प्लस बी प्लस सी हम भी कॉमन ले लेंगे, तीन बार देखो हो गया, ठीक है, क्यूब मिलाना है तो तीन क्यूब तो हो गया। देखना अब आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो 0 0 1 रहेगा ही, यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया तो मतलब a प्लस बी सी कॉमन ले लिया तो बचा 1, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया बचा माइनस का 1, यहाँ पर से हमने कुछ नहीं कॉमन लिया 2 भी आपका रहेगा ही, यहाँ पर 0 है ये, यहाँ से भी हमने कॉमन लिया था तो यहाँ बचा 1, यहाँ से क्या हो जाएगा सी माइनस का ए और माइनस का बी आपका रहेगा। हम करा देंगे आर वन के अनुदिश प्रसरण, क्योंकि अब आपका ये लास्ट स्टेप है, ठीक है, आर वन के अनुदिश प्रसरण, जब आपके कहीं जीरो मिलने लगे ना, समझ लो आप क्वेश्चन सॉल्व होने लगा, ठीक है, क्या हो जाएगा देखना, ए प्लस बी प्लस सी को तीन का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि तीन बार क्यूब लिख लिया हमने, तो बचा आपका केवल, देखना आर वन के अनुदिश प्रसरण कराएंगे इसके संगत वाले जीरो हो जाएंगे, इसके संगत वाले जीरो हो जाएंगे, बचा आपका केवल और केवल 1, तो 1 बचा, तो इसके सामने वाला रो इसके नीचे वाला कॉलम कैंसिल, 1 माइनस का 1 और 0 1 आपका हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस का c का क्यूब, और यहां पर आप देखना 1 1 जा 1 और यहां 0 से माइनस का 1 में गुणा कराएंगे तो माइनस का 0, ठीक है, और इसके बाद यहां पर यहां से एक से गुणा करा देंगे, एक से तो कोई दिक्कत नहीं, तो a प्लस बी और प्लस का c का क्यूब इंटू में 1, तो आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। आशा करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो क्या करें, शेयर कर दें ये वीडियो, ठीक है, शेयर जरूर कर देना। चलिए देख लेते हैं सेकेंड पार्ट इसका, देखना प्यारे बच्चों 11 नंबर का सेकेंड पार्ट, ठीक है, आपके पास है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से लगाना आप, ठीक है, हम कर क्या सकते हैं देखना, इसमें क्या लाना है x प्लस वाई प्लस जेड हम कैसे ला सकते हैं, और 2 तो हमें मिल भी रहा है, 2 भी लाना है, ठीक है, तो देखना क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 2z है, यहाँ x y है, जेड जेड x, ठीक है, उसी तरह से है जैसे आपने कौन सा क्वेश्चन किया था आपने इसके पहले वाला, ठीक है, सभी क्वेश्चन तो इसी तरह के आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार, बस केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट लगाना थोड़ा सा, ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, अगर क्या कर दें कि कॉलम वन में कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री कर दें, तो यहां भी 2x हो जाएगा, यहां भी 2yy हो जाएगा, यहां पे 2z हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 कॉमन लेके xyz कॉमन ले लेना और 2 भी कॉमन ले लेना, हो जाएगा, नहीं बिल्कुल हो जाएगा, देखना कॉलम वन में कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखना यहां x प्लस वाई प्लस 2z है, कॉलम टू क्या है, x है, कॉलम थ्री क्या है, वाई है, चलिए हो गया, इसी प्रकार से यहां भी क्या हो जाएगा, जेड है तो जेड हो गया, इसी प्रकार से कॉलम टू क्या है, वाई प्लस जेड प्लस का 2x और कॉलम थ्री क्या है, वाई, यहां भी आपका है जेड प्लस का x प्लस का जेड प्लस x प्लस का 2y, ठीक है, यहां भी आपका हो गया x, यहां पर आपका हो गया वाई प्लस जेड प्लस 2x, यहाँ भी आपका हो गया x, यहाँ y, यहाँ y, यहाँ जेड एक्स प्लस का 2y, ठीक है, देखना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आगे देख लेते हैं, देखना क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखना x x 2x 2x हो गया, y y 2y हो गया 2y, z और z है ही नहीं, 2z है, 2z हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी देखना जेड और जेड, सबसे पहले x को लिखते हैं, 2x है तो 2x लिख लिया, y है y y 2y और 2z तो हो जाएगा 2z,
वो जेड और प्लस टू जेड, ठीक है। यहाँ भी वही हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू वाई और प्लस का टू जेड, जो बचा वही लिख लो, एक्स बचा, वाई जेड प्लस टू एक्स बचा, और क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर बच गया एक्स, यहाँ भी वाई बचा, यहाँ भी वाई बचा, यहाँ पर बच गया आपका जेड प्लस एक्स प्लस का टू वाई, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, टू कॉमन मिल रहा है सब में, देखना यहाँ पर टू कॉमन, यहाँ पर टू कॉमन लिख लो, आगे कैसे टू कॉमन लेके एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लो, यहाँ भी टू कॉमन लेके एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लो, और यहाँ भी टू कॉमन लेके मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर एक्स बच रहा है, यहाँ पर वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स बच रहा है, और यहाँ भी एक्स बच रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपका वाई बच रहा है, यहाँ भी वाई, और यहाँ भी आपका जेड प्लस एक्स प्लस का टू वाई बच रहा है, ठीक है। देखना प्यारे बच्चों, आराम से देखना क्या कर सकते हैं हम कर लेंगे कि कॉलम वन में से टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर लिख लेना पूरा, कॉमन लेने पर तो यहां पर क्या हो जाएगा टू, और कॉलम वन से ही ले रहे हैं ना तो एक ही बार लिखा जाएगा। अगर क्या करते, कॉलम वन से भी लेते, कॉलम टू से भी लेते, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाता। लेकिन अगर हम इस तरह हो कि अगर एक ही कॉलम या रो में से ले तो क्या हो जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक्स प्लस वाई प्लस का जेड बचा आपका वन वन वन, ठीक है, एक्स, यहां पर बचा वाई प्लस जेड प्लस का टू एक्स, यहां बच गया आपका एक्स, यहां आपका बच गया वाई, जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई, सॉरी देखना यहां पर वाई है, ठीक है, ये क्या है वाई है, सॉरी वाई है, और यहां पर है जेड प्लस एक्स प्लस का टू वाई, ठीक है, थोड़ा देखने में कन्फ्यूजन हो गया, यहां पर वाई, ठीक है। हाँ, अब देखना क्या कर सकते हैं, जब वन मिल जाए तो दो को आप जीरो बनाए, तुरंत आप जीरो बनाए, ठीक है, तो यहीं पर हम लगा लेते हैं क्योंकि पेज पलटने में ना आपको ही कन्फ्यूजन होने लगती है। क्या कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे देखना, कर लेते हैं कि R1 में कर लेते हैं R1 माइनस का R2, और R2 में कर लेते हैं R2 माइनस का R3, हो जाएगा बिल्कुल, देखना कैसे। यहां पर 2x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा ही, यहां पर क्या हो जाएगा देखना, R1 माइनस का R2 तो 1 माइनस का 1 जीरो, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा देखना, यहां पर आपका हो जाएगा x, यहां पर देख लेते, ठीक है, R1 माइनस का R2 तो x माइनस का y माइनस का z माइनस का 2x, क्यों हो गया, क्योंकि माइनस था, माइनस जब हमने अंदर प्रवेश कराया तो जो प्लस था माइनस, जो प्लस था माइनस, ठीक है, x में से x जाए क्या हो जाएगा देखना पहले बच्चों, बचा आपको माइनस का y, माइनस का z और माइनस का x, जब x में, जब तीनों में से क्या लगेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, जिसको आप लिख सकते हैं x प्लस y प्लस का z, लिख सकते हैं, नहीं कि बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, थीके? तो क्या हो जाएगा यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर आपका हो जाएगा x प्लस y प्लस का z, वो भी किसके साथ, माइनस के साथ, ठीक है, और यहां पर भी वही चीज है, y मतलब r2, r1 माइनस का r2, तो y माइनस का y माइनस का y शून्य, समझ पा रहे हैं आप बात, ठीक है, यहां पर भी r2 माइनस का r3, r2 माइनस का r3 तो 1 माइनस 1 जीरो, यहां पर देखना क्या हो जाएगा, क्या किया था हमने, y प्लस जेड प्लस का 2x है, माइनस का आर थ्री तो माइनस का x हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 में, 2x में से x जाएगा तो x प्लस वाई प्लस का z हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, तो यहां पर हो गया x प्लस वाई प्लस का z, ठीक है, और यहां पर देखना क्या हो जाएगा, यहां पर भी सिस्टम वही है, बस केवल आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, देखना कैसे 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 देखना, क्या है आर टू है, वाई हो गया, माइनस का आर थ्री हो जाएगा तो माइनस का जेड माइनस का एक्स माइनस का टू वाई, तो देखना टू वाई में से एक वाई जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का जेड माइनस का एक्स माइनस का वाई, क्योंकि टू वाई बड़ा है, माइनस जब आप कॉमन ले लेंगे तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, ठीक है, तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम, यहां पर लिख लेंगे माइनस का एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, और आर थ्री में तो हमने कुछ नहीं कराया तो वन एक्स जेड प्लस एक्स प्लस का टू वाई तो रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा, ठीक है, आगे देखना हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि आर कॉलम टू व कॉलम थ्री में
एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा कॉमन लेने पर। ठीक है, कॉमन लेने पर देखना प्यारे बच्चों, एक पेज का यूज करेंगे, देखना क्या करेंगे, कॉमन लेंगे ना कॉलम टू कॉलम थ्री में से, तो आपका टू और एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो आपका पहले से है, कॉलम टू में से ले रहे हैं तो एक बार इसको लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसके बाद हम ले किस में से रहे, कॉलम थ्री में से भी ले रहे हैं तो इसको बाहर एक बार लिख लेना एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। अब जो आपका बचा उसको लिखो, क्या बचा आपका, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, यहां पर वन तो है ही है, यहां पर माइनस का वन बचा केवल और केवल, यहां पर वन बचा और यहां पर आपका एक्स तो बचेगा, यहां पर तो जीरो बचा आपका है ही है, यहां पर माइनस का वन बचा, समझना आप बात को। ठीक है, और यहां पर क्या बच गया, यहां पर जेड प्लस का एक्स प्लस का टू वाई, जेड प्लस का एक्स प्लस का टू वाई। ठीक है, आगे देखना, हम आर थ्री के अनुदेश जब प्रसरण करा देंगे हमारा आंसर खटाक से आ जाएगा। देखना इसको कैसे लिख सकते हैं, टू लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको कैसे लिखेंगे, तीन बार, तीन बार का मतलब तीन का क्यूब। ठीक है, क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। यहां पर आप लिख लेना ऐसे कि आर थ्री के अनुदिश प्रसरण करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन आपका है क्योंकि इसके संगत वाला जीरो, इसके संगत वाला जीरो, तो वन आपका केवल और केवल बचा, इसके सामने वाला रो जीरो, इसके सामने वाला कॉलम जीरो, माइनस का वन यहां बचा, यहां पर जीरो, यहां पर वन, यहां पर माइनस का वन। ठीक है, आगे देखना क्या हो जाएगा, टू है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका बचेगा और इसका क्यूब। ठीक है, वन का कोई दिक्कत नहीं, वन से मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन वन जा वन, माइनस का जीरो। ठीक है, वन से मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा, टू एक्स प्लस वाई प्लस का जेड का होल क्यूब इंटू में वन, तो आपका जो प्रूविंग आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, आपको क्या करना था प्यारे बच्चों, प्रूफ करना था, प्रूफ करना था, देखना प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आपको आया होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। ठीक है, कह क्या रहा है कि डिटर्मिनेंट है वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वन वन एक्स, सॉरी इसके बाद एक्स एक्स स्क्वायर वन। ठीक है, लाना क्या है, वन माइनस एक्स का क्यूब और वो भी दो बार क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, देखना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्यूब कैसे मिल सकता है, क्यूब कैसे मिल सकता है, देखना हम क्या कर सकते हैं, देखना। ठीक है, यहां पर वन है और यहां पर एक्स एक्स स्क्वायर है, क्यूब हमें मिल नहीं सकता क्योंकि क्यूब चाहिए तो तीनों में चाहिए हमको, यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए, तभी तो हम कॉमन ले सकते हैं, यहां भी अगर इसमें करेंगे, रो में करेंगे तब, और कॉलम में करेंगे तब भी। तो यहां पर हम कुछ बाहरी चीज लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे देखना, यहां पर हम लाएंगे आर वन में आर वन माइनस का एक्स आर टू। ठीक है, आर वन तो वन माइनस का एक्स का, सॉरी वन माइनस का एक्स का क्यूब बन सकता है। ठीक है, कैसे देखना, आर वन का माइनस का तो एक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब। ठीक है, कैसे देखना, समझ पाएंगे आप अभी। ठीक है, देखना आर वन माइनस का एक्स आर टू, तो आर वन ये है तो वन माइनस का एक्स आर टू, तो एक्स इंटू में एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब। ठीक है, यहां देखना आर वन क्या है, एक्स है, माइनस का वन इंटू एक्स, मतलब एक्स इंटू वन, तो एक्स यही हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखना यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो है ही है, माइनस का एक्स इंटू में एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहां पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर आपका हो जाएगा एक्स, यहां पर वन, यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स, यहां पर वन। ठीक है, आगे देखना, यहीं पर देख लेते हैं आगे, वन माइनस का एक्स का क्यूब हो जाएगा, इससे ये कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस जीरो, प्लस माइनस जीरो जीरो, एक्स का स्क्वायर वन एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर वन, ये चीजें आपकी हो गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे आगे, अब आप कर सकते हैं क्या, आप कर सकते हैं कि आर वन में से, आर वन में से वन माइनस एक्स का क्यूब कॉमन ले सकते हैं। ठीक है,
वो वैनिश ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बार है, यहाँ जीरो जीरो कोई दिक्कत नहीं, तो लिख ले वन माइनस एक्स का क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया वन जीरो जीरो, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, देखो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, एक्स यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया वन। क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, कैसे ही देखना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वन है, तो आर वन के अनुदिश प्रश्न करा दें, आर वन के अनुदिश प्रश्न, आर वन के अनुदिश प्रसरण, तो क्या हो जाएगा, देखना क्या हो जाएगा, कैसे आर वन के अनुदिश जब कराएंगे तो वन माइनस एक्स का क्यूब तो रहेगा ही, और इसके संगत जीरो, इसके संगत जीरो, केवल और केवल इसके संगत बचेगा तो वन हो जाएगा, और वन के सामने वाला रो, उनके सामने वाला नीचे कॉलम हो जाएगा, तो वन बचेगा, एक्स बचेगा, और एक्स का स्क्वायर बचेगा और वन बचेगा, ठीक है। बस आप इसको क्या करते, सिंप्लीफाई कर दें, एक्स का क्यूब तो है ही है, और यहाँ पर वन से मल्टीप्लाई वन ही हो जाता है, वन 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 जा वन, देखना इस तरह से वन वन जा वन, माइनस का एक्स स्क्वायर इन टू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब, देखना प्यारे बच्चों, दो बार है ना, इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं आप, वन माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है, और आपका जो आज का वीडियो लेक्चर है यहाँ पर खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम 13 से 16 तक, तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, तो आप क्या करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो, कमेंट बॉक्स में आप बताएं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत हो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।